नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एलपी सभी के लिए दोस्तों यहां पर जो है विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ चुका है। दोस्तों 25 प्रश्नों का ये सेट होगा और इकाई से संबंधित है, यानी यूनिट मात्रक से क्वेश्चंस हमने लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जो है रेलवे ग्रुप डी में, जेई में या फिर एएलपी में या फिर आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी जो है इकाई है, एम्पियर सेकंड जो है ये किसकी इकाई है। दोस्तों देखिए, एम्पियर सेकंड जो है ये आवेश की इकाई है, आवेश की इकाई है जो है एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों इसको कूलाम भी कई जगह लिखा है, क्या कूलाम दोस्तों लिखते हैं, आवेश की ये इकाई है। ठीक है, ए यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, धारा बराबर क्या है, धारा यानी आई बराबर दोस्तों क्या है आपका क्यू टी होता है। ठीक है, यानी क्यू बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पर आवेश की बात हो रही है, और टी बराबर आपका जो है सेकेंड जनरल टाइम का ये है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, आवेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसकी जो है कोई इकाई नहीं है, किसकी इकाई नहीं है दोस्तों वो आपको बताना है। तो घनत्व का दोस्तों क्या होता है इकाई, किग्रा प्रति मीटर क्यू, ये होता है केजी जो है प्रति मीटर क्यू होता है। दाब का क्या होता है, दाब का आपका पास्कल होता है, क्या होता है पास्कल होता है, या फिर इसको लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इनका होता है विस्थापन का, आप जानते हैं मीटर दूरी की बात हो रही है तो मीटर हो जाएगा। और सापेक्षित जो घनत्व है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, सापेक्षित घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। सापेक्षित जो भी घनत्व होता है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो सापेक्षित घनत्व है दो एक जैसी इकाइयों का ये अनुपात होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को दोस्तों क्या कहा जाता है, शक्ति की जो इकाई होती है इसको दोस्तों जो कहते हैं वो वाट कहते हैं। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति की इकाई को दोस्तों जो है वाट कहते हैं। पी बराबर होता है डब्लू टी, डब्लू अपॉन टी होता है, डब्लू का दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर जूल हो जाएगा, मतलब कार्य की बात हो रही है, प्रति सेकंड कहते हैं, तो जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं, वाट भी कहते हैं, यानी ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई, देखिए ऊर्जा की इकाई बोले या फिर कार्य की बोले, ये दोनों का होता है जूल, क्या होता है दोनों का होता है जूल। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है, तो दोस्तों अभी हमने बात किया ही यहाँ पर ए, यहाँ पर आपका ऊर्जा दे रखा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अपरिवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपरिवर्तनांक का जो है कोई भी दोस्तों यहाँ पर मात्रक नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। किसी माध्यम का अपरिवर्तनांक जो है वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना अधिक या फिर कम है, तो ये यहाँ पर मात्रक कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न को जो है मिलान करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या दिया है, यहाँ पर आपको मात्रक का ही मिलान करना है, तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबक फ्लक्स ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोले तो टेस्ला राइट आंसर हो जाएगा, और चुंबक फ्लक्स बोले तो वेबर हो जाएगा। याद रखेंगे चुंबक फ्लक्स बोलेगा तो वेबर इसका मात्रक होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलेगा तो टेस्ला इसका जो है मात्रक हो जाएगा। और दोस्तों जानते हैं प्रेरण जो है इसका हेनरी होता है, यानी पहला का ए होगा, पहला का ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, साथ साथ दोस्तों दूसरा का जो है आपका सी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई, मतलब दोस्तों इसकी यूनिट बताना है, माप इकाई बताना है जो है प्रतिबल का, प्रतिबल का क्या होगा, प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिबल, आंतरिक प्रतिबल अपॉन क्षेत्रफल,
यानी दोस्तों एफ अपॉन ए यानी न्यूटन इसका हो जाएगा फोर्स का, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी दोस्तों इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए ध्वनि, और यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान है के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो जब भी ध्वनि प्रदूषण को मापने की बात आएगी तो यहाँ पर डेसिबल राइट आंसर होगा। देखिए इसको कई तरीके से पूछा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, यहाँ भी डेसिबल आपका हो जाएगा, तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को जो है उपयोग में लाया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका डेसिबल हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर बात करें यहाँ पर जो है WHO की, तो WHO क्या कहता है, WHO कहता है कि 45 जो है डेसिबल जो ध्वनि है वो मानवों के लिए सही है, और अगर 75 से अधिक डेसिबल ध्वनि है तो ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये भी याद रखिएगा एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अभी हमने यहाँ पर बात किया है कि शक्ति की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर आपका वाट हो जाएगा, तो इसको घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट बात करेंगे उद्योग में शक्ति की इकाई, देखिए वही यहाँ पर शक्ति की फिर बात हो रही है, तो वाट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। हमने बात किया था पी बराबर क्या होता है W/T होता है, यहाँ पर आपका जूल हो जाएगा, जूल अपन क्या आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, तो जूल अपॉन सेकेंड यानी कि वाट यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट या फिर जूल अपॉन सेकेंड पूछता है, जूल प्रति सेकेंड कितना होगा, तो आप ये भी याद रखिएगा एक जो है हॉर्स पावर बराबर क्या होता है 746 वाट, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में ये भी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खालिस्तान है नामक पारंपरिक इकाई में जो है मापा जाता है, तो याद रखिएगा जो विकिरण की जो मात्रा को मापने का जो पारंपरिक इकाई है वो है आपका क्यूरी, क्या है क्यूरी, मैडम क्यूरी का नाम आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पास्कल जानते हैं किसका है दाब का, और एम्पियर जानते हैं किसका विद्युत धारा का जो है इकाई है, वाट जो है शक्ति का बता ही चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है, लेंस की शक्ति की जो SI इकाई है वो आपका जो है डायोप्टर है, क्या है डायोप्टर है दोस्तों, बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, डायोप्टर है, पी बराबर 1/F जो है आपका हो जाता है। ये मायोपिया दिया है और जो हाइपर मेट्रोपिक जो दिया है, मायोपिया दोस्तों जो है ये क्या है निकट दृष्टि दोष है, क्या है निकट दृष्टि दोष है, और ये दूर दृष्टि दोष है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, कार्य की इकाई इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, या फिर आप समझिए आपका यहाँ पर जो है कार्य की इकाई क्या होती है, यहाँ पर जूल ये कहेंगे या फिर आप जो है न्यूटन मीटर आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर, तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा जूल वाला सही है ही, न्यूटन मीटर आपका सही है ही, देखिए यहाँ पर कौन सा गलत होगा, या फिर दोस्तों क्या कहेंगे यहाँ पर जो है किग्रा मीटर स्क्वायर अपॉन जो है सेकंड स्क्वायर, ये आपका सही है, यहाँ पर देखिए अगर स्क्वायर स्क्वायर ना रहे तो वो वाला गलत हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ए बिल्कुल ही ठीक उत्तर हो जाएगा, ये भी कहते हैं किग्रा मीटर स्क्वायर अपॉन जो है सेकंड स्क्वायर, ठीक है प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस जो है भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, ओम पूछा जा रहा है दोस्तों, तो प्रतिरोध का जो है मात्रक होता है ओम, ठीक है प्रतिरोध का जो है मात्रक क्या होता है ओम होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है प्रतिरोध का SI मात्रक तो ओम होता है, ये दोस्तों कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि दोस्तों V बराबर जो है IR होता है,
यहाँ पर दोस्तों आर जो है वो आपका प्रतिरोध है, इससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रतिरोध है। आई जो है आपका क्या है, धारा है, धारा है। और वी जो है विभवांतर है, वी जो है विभवांतर है दोस्तों, ठीक है। ये जो है जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक जो है वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, उन्होंने जो क्या किया था, एक तार में प्रवाहित जो है विद्युत धारा यानी आई और उनके सिरों के बीच का विभवांतर यानी वी के बीच के संबंध को स्थापित किया था। यही आपका फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। एक ही चीज़ को कई तरीके से जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दोस्तों के मापन के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष नाम प्रकाश है लेकिन दूरी के लिए किया जाता है। अब दोस्तों याद आपको ये रखना है कि जो है प्रकाश वर्ष वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका एक और पूछा गया प्रकाश वर्ष खालिस्तान की इकाई है, ये भी यहाँ भी आपकी दूरी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखिए कि कितना बराबर आपका एक प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 × 10^15 मीटर। याद रखेंगे ये आपका होता है, ठीक है। अब सबसे एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, और जो सबसे दूरी नापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है पारसेक। क्या होती है, पारसेक होती है, ये याद रखिएगा। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10^15 जो है आपका मीटर होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, अभी हमने बात किया है कूलाम कहते हैं, ठीक है, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे संवेग की, दोस्तों एसआई पद्धति में इकाई बताना है, संवेग की इकाई क्या होगी या फिर मात्रक क्या होगा। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणा के आपका वेग होता है, द्रव्यमान गुणा के वेग होता है, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो दिया है वो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको दर्शाने के लिए केजी एम एस के ऊपर आपका -1 से ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आपका निम्न में से किस राशि का जो है का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का जो है एसआई मात्रक होता है। ये भी बहुत बार आ चुका है, इसको भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखेंगे ज्योति तीव्रता का मतलब एसआई मात्रक कैंडेला का, दोस्तों ज्योति तीव्रता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भार की जो है एसआई मात्रक क्या होता है, भार का दोस्तों न्यूटन होता है, कई बार किग्रा आपको लगता है लेकिन न्यूटन यहाँ पर याद रखेंगे, भार का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, यहाँ पर आपका बी बिल्कुल ही ठीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता का एसआई जो है इकाई बताना है, तो ये होता है दोस्तों बेकुरल, ठीक है, बेकुरल जो है ये रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए दोस्तों ये आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये पहला सेट था, ये यूनिट से क्वेश्चंस थे यानी कि मात्रक से क्वेश्चन थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।